Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing definite integration and this is a video lecture number 7. I hope you have already watched part 1 to part 6 before watching part 7. आज की क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और ये क्वेश्चंस कुछ वेल नोन क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं. तो आइए हम सबसे पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज, उसके बाद आगे कुछ और प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे. तो पहला क्वेश्चन आज लेते हैं हम, 0 to 1 cot inverse 1 - x + x² ऐसा कुछ, तो dx. इस क्वेश्चन को कैसे करें? इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि cot inverse को 1/tan inverse लिख सकते हैं, है ना. इसको लिख सकते हैं 0 to 1 tan inverse 1 upon 1 - x + x². अगर और थोड़ा बेहतर कुछ सोचूं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 1 upon 1 - x into 1 - x. कैन आई राइट लाइक दिस dx? यस, क्योंकि ऐसा ही हो जाएगा. ये x कॉमन लेने के बाद ये 1 - x बचेगा. 0 to 1, अगर इसको लिख दिया जाए x + 1 - x न्यूमरेटर में और यहाँ 1 - x into 1 - x, तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो गया tan इनवर्स के साथ. tan इनवर्स के साथ ऐसा अगर लिख दिया जाए तो ये हो जाएगा a + b. x + x - किया है यहाँ पे ऊपर, कुछ और खास काम नहीं किया है. नीचे 1 - ab, सो दैट कैन बी सेपरेटली रिटन एज tan इनवर्स x + tan इनवर्स 1 - x dx. Can I write like this? Yes. So this is 0 to 1, say I1 + I2. Even you can apply this tan inverse 1, tan inverse x dx plus 0 to 1, tan inverse 1 minus x dx. This is the same thing almost. Why? Because the property has been applied, tan inverse x dx. और इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ तो क्या होगा? tan इनवर्स 1 - 1 - x dx. सो दैट विल बी अगेन tan इनवर्स x. सो दिस विल बी 0 to 1 tan इनवर्स x dx प्लस 0 to 1 tan इनवर्स x dx. सो दैट विल बी 2 tan इनवर्स x dx. अब tan इनवर्स x का कैसे करेंगे? अब tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे. सो i = 2 0 to 1 tan इनवर्स x into 1 dx. दिस इज द सेकेंड, दिस इज द फर्स्ट. नाउ इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स व्हाट विल हैपन? इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स वी गेट व्हाट? i = 2 as it is. First function as it is, that is tan inverse x, integration of second, that is x, minus in differential of 0 to 1. Here I can put the limit 0 to 1. Minus derivative of first, that is 1 upon 1 + x² into integration of second dx. That will come. So this can be written as further. X, if I put value 1, then this will be tan inverse 1. Minus 0, tan inverse 1 minus 0, this thing will come. Minus here, if I multiply by half, then derivative upper niche wale ka upper milega. So that will be niche wale ka upper derivative ho to kya likh sakte hai? Log of niche wale, yani 1 + x² and this is what from 0 to 1. So the whole thing will come out π/4, right, minus 1/2, and this is log, if I put 1, log 2, and if I put 0, then log 1, log 1 is 0, so this is the same thing. So what I can write, π/2 - log 2, ye ho gaya iska answer. To ye ek well known question hai, aur is question ko aap kar sakte hain is tarike se. Mujhe umeed hai ki aapko ye samajh mein aa gaya hoga. Agar kahin koi dikkat hai to isko dobara. So now considering the second question, question number 2, what is this question? Try to understand. 0 to 1,
और इवन 1 to 2 x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 dx अपॉन अंडर रूट x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x. दिस इज ए क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन इंडीड. व्हाट टू डू एंड हाउ टू सॉल्व, ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो नाउ I कैन बी रिटन एज 1 to 2 x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 dx. इसमें से अगर मैं कॉमन ले लूँ x स्क्वायर तो बाहर आके x हो जाएगा और अंदर में मिल जाएगा यहाँ पे x, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 बाई एक्स. ठीक है, x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1. इस पूरी चीज को आप लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन 1 to 2 x माइनस 1 अपॉन, ऊपर से अगर x कॉमन ले लिया जाए और नीचे से भी x कॉमन ले लिया जाए तो x से डिवाइड कर दूँ तो ऊपर में मिल जाएगा क्या, ये x से अगर डिवाइड कर दूँ ऊपर में तो ये मिल जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स और नीचे में ये हो जाएगा x प्लस 1. ठीक है, इसमें से भी एक x कॉमन ले लिया जाए डी एक्स अपॉन, ध्यान से देखिए अभी देखते हैं ये क्या मिलता है, 1 बाई एक्स प्लस 1. x प्लस 1 बाई एक्स अगर पुट कर लिया जाए प्लस 1 को टी स्क्वायर, सो व्हाट विल हैपन, जरा देखते हैं पुट करके कि x प्लस 1 बाई एक्स को टी स्क्वायर पुट कर तो क्या होगा. तो पुट कर लिया x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 को टी स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे पहले देखिए एक डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt. इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर में आना चाहिए x स्क्वायर 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर या x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर आना चाहिए डी एक्स, तब इसके बदले 2t dt पुट कर सकते हैं. अब x स्क्वायर कैसे आएगा ऊपर में, तो आप इसको x प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ऊपर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 और x प्लस 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x प्लस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर. एक x बाहर में है हमारे पास, x प्लस 1 बाई x प्लस 1 भी है हमारे पास, डी एक्स हो गया. अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 1 से 2 ये हो जाएगा x, इसमें से भी कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, इसमें से x कॉमन लेने का मतलब हुआ कि 1 प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना. और इसको लिख सकते हैं x कॉमन लेंगे पहले इसको सिंप्लीफाई करके फिर कॉमन लेते हैं. पहले सिंप्लीफाई कर लिया तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, राइट. और ये बाहर में एक x है और ये है x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 dx. अब आप देखें कि ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा कन्वर्ट होकर के, ये हो जाएगा 1 टू 2 x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, यहाँ से एक x कॉमन ले लिया, एक x यहाँ से रह गया तो यहाँ पे x स्क्वायर हो गया और इसमें से x कॉमन लिया है तो ये हो गया x प्लस 1 बाई x प्लस 2, राइट. और ये अंडर रूट में है x प्लस 1 बाई x प्लस 1 तो इसको हमने t स्क्वायर पुट किया हुआ. अब इस पूरे ये देखिए पूरा का पूरा जो सेगमेंट है जो हमें चाहिए था x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, ये x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर dx के बदले क्या लिख सकते हैं, dt. लेकिन अभी हमने चूंकि सिचुएशन पुट किया है तो हमें लिमिट भी चेंज करना चाहिए. सो व्हाट टू डू, हाउ टू चेंज द लिमिट. सो लिमिट चेंज द लिमिट व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 t स्क्वायर इज इक्वल टू 3, दैट इज t इज इक्वल टू रूट 3. व्हेन x इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 1 3 एंड 3 प्लस हाफ इज 7/2, सो t स्क्वायर इज इक्वल टू 7/2, दैट इज t इज इक्वल टू अंडर रूट 7/2. तो जो लिमिट है x 2 रखने से क्या हो गया, 2 प्लस 1 3 एंड हाफ 3 एंड हाफ दैट इज 7/2, t स्क्वायर 7/2 मतलब t हो गया अंडर रूट 7/2. अंडर रूट 7/2 वी कैन राइट लाइक दिस, अंडर रूट 7/2 टी इज इक्वल टू अंडर रूट पूरा चीज 7/2 ऐसा कुछ. अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर पुट किया है आपने, तो क्या होगा कि यहाँ से अगर इसकी वैल्यू हम लिखना चाहें एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 का तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1, है ना, एक और इसमें प्लस हो गया. Now the whole integration will come out like I is equal to
अंडर रूट थ्री से अंडर रूट सेवन बाई टू, ठीक है। इसको अगर ऐसे हमने पुट कर लिया टी स्क्वायर तो ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स प्लस टी को भी पुट कर सकते थे, एक्स प्लस वन बाई एक्स को पुट करते तो ये ऐसा नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, अब देख लेते हैं। सो व्हाट विल हैपन, दिस इज इक्वल टू, अब इस पूरे के बदले हम लिख देंगे डी टी, और ये हो गया टी स्क्वायर प्लस वन, कितना टू टी डी टी लिखना है ना, ऊपर वाले इसके बदले हम लिख सकते हैं टू टी डी टी, तो ये हो गया टू टी डी टी, और ये हो गया टी स्क्वायर प्लस वन, और इसको आपने टी स्क्वायर पुट किया है तो रूट के बाहर आके टी हो गया, टी से टी कैंसिल, तो क्या मिल गया, टू रूट थ्री से अंडर रूट सेवन बाई टू तक, ठीक है, डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन। सब लोग जानते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा टैन इनवर्स टी, सो टू टैन इनवर्स टी, और कहाँ से कहाँ तक, रूट थ्री से अंडर रूट सेवन बाई टू तक। तो अब ये हो जाएगा, यानी आई इज इक्वल टू व्हाट, टू टैन इनवर्स अंडर रूट सेवन बाई टू माइनस टैन इनवर्स अंडर रूट थ्री, ये होगा आंसर। अब इसको आप चाहें तो और लिख सकते हैं, टू टैन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, बट इससे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है, इतना आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है, काफ़ी है, इतना ही आंसर काफ़ी है। वैसे इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा करके, टू टैन इनवर्स अंडर रूट सेवन अपॉन अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाई वन प्लस अंडर रूट सेवन अपॉन अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट थ्री, ये होता है टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। तो ये हो जाएगा टू टैन इनवर्स अंडर रूट सेवन माइनस टू अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाई अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट ट्वेंटी वन, ये आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, एंड लेट अस सी व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड व्हाट दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, टैन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस वन डी एक्स, ये क्वेश्चन। सो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन व्हाट टू डू, जैसा कि रूट के अंदर है उसको टी स्क्वायर पुट कर सकते हैं, तो पुट करके देखते हैं क्या होता है। पुट कर लिया रूट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी रूट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर का मतलब हो गया कि रूट एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन, और एक्स इज इक्वल टू हो गया टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। तो डी एक्स कितना हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन और फिर इंटू टू टी डी टी, दैट इज फोर टी टी स्क्वायर प्लस वन डी टी, ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं। इस तरह से आई इज इक्वल टू मिलेगा हमें, आई जो होगा वो इतना होगा कि आई इज इक्वल टू, अब लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सब्स्टिट्यूशन क्या है, तो लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। तो लिमिट क्या चेंज करोगे, लिमिट चेंज करनी पड़ेगी लाइक अगर एक्स वन है, वन एक्स इज इक्वल टू वन, तो वन का स्क्वायर रूट वन, वन माइनस वन जीरो, तो टी क्या आ जाएगा जीरो। वन एक्स इज इक्वल टू सिक्सटीन, तो सिक्सटीन का क्या हो जाएगा फोर, फोर माइनस वन दैट इज थ्री, तो टी स्क्वायर थ्री, टी स्क्वायर थ्री मतलब टी इज इक्वल टू रूट थ्री। तो जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा जीरो टू रूट थ्री, और ये टैन इनवर्स कितना, इसको आपने पुट किया है टी, टी हो जाएगा टैन इनवर्स टी, क्योंकि रूट के अंदर वाले को हमने टी स्क्वायर पुट किया है तो रूट के बाहर आके टी, और डी एक्स के बदले हम क्या लिखने वाले हैं फोर टी, डी एक्स के बदले हम लिखने वाले हैं ये, डी एक्स के बदले हम लिखने वाले हैं फोर टी इंटू टी स्क्वायर प्लस वन डी टी, ठीक है, ये लिखने वाले हैं। सो व्हाट विल कम, अब अगर ऐसा लिख दिया डी एक्स के बदले तो ये हो गया फोर बाहर, और ये हो गया जीरो टू रूट टी थ्री टैन इनवर्स टी, टैन इनवर्स टी, और ये हो गया टू टी, इसको टू लिख देता हूँ, टू टी, टू टी एंड टी स्क्वायर प्लस वन डी टी। बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो गया जीरो टू रूट थ्री टैन इनवर्स टी, और ये है डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन, है ना, डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन।
तो अगर इसको हम ये मान लें सेकेंड फंक्शन और इसको मान लें फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर दें तो क्या होगा? इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट। तो अगले स्लाइड में करते हैं ये काम कि ये हो गया आई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to √3, क्या था टैन इनवर्स टी और डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1, ये था हमारे पास, यही था ना, देखिए यही था कि √3 टैन इनवर्स टी एंड डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1। तो इसको हम मान लेंगे सेकेंड फंक्शन और इसको मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हैं। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स वी गेट व्हाट इज दैट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी टैन इनवर्स टी एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो ये इसका डेरिवेटिव है तो इंटीग्रेट करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा, ठीक है, ये पूरा चीज़। और ये पूरा चीज़ में लिमिट क्या होगा 0 to √3, 2 सब में बाहर है, इसको ब्रैकेट के साथ लिख दिया, ठीक है। अच्छा तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो क्या होगा ये 0 to √3, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1/1 प्लस टी स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड दैट इज टी स्क्वायर प्लस 1 अगेन डी टी, ये पूरा कैंसिल हो गया तो मिल जाएगा आपका ये 2, यहाँ √3 रखेंगे तो टैन इनवर्स √3 और √3 का होल स्क्वायर 3 + 1 = 4 हो जाएगा, 0 रखेंगे तो टैन इनवर्स 0 0 होता है इसलिए पूरा का पूरा चीज़ 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन टी कहाँ से कहाँ तक 0 से √3 तक, ठीक है। तो ये हो गया 2 4 इंटू टैन इनवर्स √3 का मतलब पाई बाई थ्री माइनस √3, ये हो गया √3 - 0, सो ये हो जाएगा 4π/3 इंटू 2, क्या हो जाएगा 8π/3, 8π/3 माइनस √3, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज dx अपॉन a cos स्क्वायर x ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और ए कॉस स्क्वायर एक्स, यू कैन टेक ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर एंड दिस इज 0 to π/2। क्वेश्चन कैन बी इधर वे, इधर ए स्क्वायर या ए कुछ भी हो सकता है, इसको सॉल्व करना है हमें, इंटीग्रेशन करना है और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो वॉट टू डू, अब इस क्वेश्चन में अगर मैं जनरली देख करके साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का फंक्शन देख करके सबको मन में आ रहा होगा कि हम इसे क्या करना चाहिए, कॉस स्क्वायर एक्स इसमें से डिवाइड कर देना चाहिए यानी कॉस स्क्वायर एक्स इसमें से कॉमन, कंसीडर आई इज इक्वल टू, पूरा लिखते हैं थोड़ा सा, 0 to π/2 डी एक्स अपॉन ए कॉस स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये लेते हैं और इसको सॉल्व करने की पहले कोशिश करते हैं, बाद में स्क्वायर का देखेंगे। तो क्या होगा कि सेक स्क्वायर एक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा आपने पहले किया हुआ है तो सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर क्या करते थे, याद है आपको कुछ, फिर हम पुट करते थे टैन एक्स इज इक्वल टू टी, टैन एक्स इज इक्वल टू टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता था डी टी, चूँकि आपने पुट कर दिया है तो सब्स्टिट्यूशन तो लिमिट चेंज करेंगे, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 टी इज इक्वल टू 0, व्हेन एक्स इज इक्वल टू π/2 टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सो आप इसको लिख सकते हैं 0 से π/2 को, या यहाँ पे नीचे का ये हो जाएगा i इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा 0 to π/2 डी एक्स अपॉन ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे मिल जाएगा 0 to ∞ डी टी अपॉन क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, दैट इज व्हाट, ये हो जाएगा 1/a बी से भी डिवाइड होगा टैन इनवर्स बी टी अपॉन ए कहाँ से कहाँ तक
जीरो से इन्फिनिटी तक। तो ऐसा करने से ही क्या मिल जाएगा, वन अपॉन ए बी, और ये टेन इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, पाई बाई टू, और जीरो रखेंगे तो जीरो। इसका मतलब मिल जाएगा पाई बाई टू ए बी, पाई बाई टू ए बी, पाई बाई टू ए बी, ये मिलेगा पाई बाई टू ए बी। इसका मतलब ये क्या है, ये एक फंक्शन है किसका, से दिस इज कॉल्ड एफ ए बी, ए और बी का फंक्शन है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, इस पूरे चीज़ को एफ ए बी का फंक्शन है, यानी जीरो टू पाई बाई टू डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, राइट, इज इक्वल टू पाई टू ए बी, टू ए बी दैट इज फंक्शन ऑफ ए बी, ये है फंक्शन ऑफ ए बी। अब हम क्या करते हैं कि दोनों को से मान लिया, दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू ए। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू ए, रिस्पेक्ट टू ए, ये लिमिट x के रिस्पेक्ट में दी हुई है, तो a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से इस लिमिट में न्यूटन लेबनिज रूल लगेगा नहीं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये डिनोमिनेटर में है a का फंक्शन, तो पहले क्या होगा, वन अपॉन x टाइप ट्रीट होगा, वन अपॉन x का ट्रीटमेंट क्या होगा, वन अपॉन x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस वन अपॉन x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जीरो टू पाई बाई टू माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कर, ए के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, टू ए कॉस स्क्वायर एक्स, और ये तो कॉन्स्टेंट हो गया, इसमें ए है ही नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। और यह है डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, माइनस पाई, वन बाई ए का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस वन बाई ए स्क्वायर, यानी टू ए स्क्वायर बी, ठीक है। दोनों तरफ से माइनस को आप चाहें तो काट सकते हैं, तो क्या आएगा, व्हाट विल हैपन, दिस विल बी जीरो टू पाई बाई टू टू ए, टू ए इधर आके डिवाइड कर दूँ, टू ए इधर आके डिवाइड कर देते हैं, तो ऊपर मिल जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और नीचे में मिल जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, है ना, और इधर मिल जाएगा पाई अपॉन टू, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया तो फोर ए क्यू बी, ठीक है, ये एक इक्वेशन वन हो गया। सिमिलरली अगर हम बी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते तो जहाँ जहाँ ए आया है वहाँ वहाँ बी आया होता, और यहाँ कॉस स्क्वायर के बदले साइन स्क्वायर आया होता। सिमिलरली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू बी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू बी, विद रिस्पेक्ट टू बी, टू बी, देन व्हाट विल हैपन, अगेन इट विल कम जीरो बाई पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे मिला होता पाई फोर ए बी क्यू, ठीक है। नाउ एडिंग वन एंड टू, एडिंग वन एंड टू, एडिंग वन एंड टू, वी गेट क्या मिलेगा, देखो नीचे डिनोमिनेटर में दोनों का सेम है, एक जगह साइन स्क्वायर दूसरी जगह कॉस स्क्वायर एक्स है, तो ये मिल जाएगा जीरो टू पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, नोमरेटर मिल जाएगा डी एक्स, और डी नोमरेटर में क्या मिलेगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और एक मिलेगा पाई अपॉन फोर ए क्यू बी प्लस पाई अपॉन फोर ए बी क्यू। अब ये हो जाएगा, इसको अगर लिखें तो ये हो जाएगा क्या, फाइनल आउटपुट जीरो टू पाई बाई टू डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, राइट, एंड पाई अपॉन फोर ए बी कॉमन ले लेते हैं, फोर ए बी कॉमन ले लेते हैं, फोर ए बी दोनों में है,
तो यहाँ से मिल जाएगा 1/a² और यहाँ से 1/b², तो ये हो जाएगा π/4ab या ए क्यूब इक्यू एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे मिल जाएगा a² b² ऊपर मिल जाएगा a² b² और नीचे a² b². सो व्हाट विल हैपन द होल थिंग कैन बी रिटन एज पाई a² + b² अपॉन 4aq bq एंड दैट विल बी द आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको उम्मीद है कि बहुत सारा दिमाग लगा होगा। आपको क्या दिमाग लगा होगा, दिमाग तो मैंने लगाया है, आप तो देख रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको एक दो बार रिवाइज कर लें अच्छे से, और अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, नहीं एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आइए,